नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट डीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। आप लोग खुश रहें, सलामत रहें और जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करते रहें, यही हमारे शो का मकसद रहता है। आज का विषय हर माँ हर पत्नी के लिए जरूरी है, उन सभी के लिए जरूरी है जो अपनों की चिंता करते हैं। आज हम आपके जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं की बात करेंगे। ज्योतिष के अनुसार होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचें, इसके उपाय भी जानेंगे। होने वाली दुर्घटनाओं से जुड़े और कौन से विषय होंगे, आइए जान लेते हैं। किसकी कुंडली में होते हैं होने वाली दुर्घटनाओं के लक्षण, जानिए अपने परिवार को दुर्घटना से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दुर्घटना में होने वाली मौत के डर से कैसे मिलेगी मुक्ति, कारोबार और दुकान को बुरी नजर से बचाने वाले उपाय होंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। गुरु मंत्र पेज पर जाइए और उसको लाइक कीजिए और अपनी परेशानी पूछिए, फिर आपकी परेशानियों का समाधान हमारे शो में मिलेगा। और साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। गुरुदेव, दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कितने तरह की दुर्घटना होती है जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। बेटा, जितने भी ग्रह गर्म है यानी कि सूर्य और मंगल, ये भी दुर्घटना के कारक बनते हैं। ये जन्म कुंडली के अंदर जिनके खराब होते हैं और या इनके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि होती है, बेटा इन लोगों के साथ में बड़ी अजीब किस्म की दुर्घटनाएं घटित होती हैं। और जिनके पापी ग्रह ही खराब अवस्था के अंदर हो, खास तौर पे शनि, राहु और केतु, इन लोगों के साथ भी दुर्घटनाएं होने वो बड़े रूप में सामने आती है। जैसे अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य खराब हो तो ऐसे में होता क्या है, बचपन में ही यानी कि बच्चे के बाल्यकाल में ही पिता की इज्जत खराब होती है। रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के उनके अपनी रिश्तेदारी में या फिर अपने कामकाज की जगह पर उनके हालात खराब होते हैं। पिता के लिए लेन देन के मामले में उनके ऊपर दबाव बहुत बढ़ता है, जिसकी वजह से पिता को अगर घर से दूर जाना पड़े काम करने के लिए, ऐसे में बच्चे का जो मॉरल भी होता है वो भी कमजोर होता है, बच्चा थोड़ा शरारती भी होता है। और ऐसे में जो दुर्घटनाएं होती हैं बेटा, वो बच्चे की आंखों को लेकर के और साथ ही माथे पे चोट को लेकर के ये पैदा होती है। और यही योग आगे चल के जिंदगी के अंदर कभी भी ये हालात उत्पन्न कर सकता है कि दोबारा फिर से आंखों के अंदर बड़ी चोट लगे और ऑपरेशन पे ऑपरेशन। ये सूर्य देव की दी हुई दुर्घटनाएं होती हैं। जिनको जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराब होता है बेटा, उनके अंदर ना उतावलापन बहुत ज्यादा होता है। उनके यहाँ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि उस घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो जिनके साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से परेशानियां बहुत मिलती हैं, उनकी तरफ से धोखे बहुत मिलते हैं। और बार बार भाइयों में भी आपस में कोई ना कोई कलह का कारण खड़ा होता है, ये मंगल के दोष होते हैं। ऐसे घर में जो भी बच्चा बहुत ज्यादा उतावला होगा, एक काम को छोड़ के फौरन दूसरे को पकड़ना, कभी कोई सामान उठाना उसको रखना, कभी तीसरी चीज को छेड़ना, इस तरह का उतावलापन जिसके अंदर बहुत ज्यादा होता है बेटा, इन लोगों को जीवन के अंदर कई बार घटनाओं का सामना करना पड़ता है। और जिसमें सबसे बड़ी दुर्घटनाएं क्या होती हैं, इनके सर के ऊपर चोट लगना, सर फटना। ऐसे में अगर सर पे चोट लगती है तो बेटा आंखों के ऊपर भी असर आता है, जिसके अंदर की आंखों के अंदर का टेढ़ापन जन्म लेता है। समझे, इन लोगों को खास तौर पे जब भी ये व्हीकल वगैरह ड्राइव करते हैं उस वक्त में खास तौर पे इनको एहतियात बरतना चाहिए। और इन लोगों को किसी के भी लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। अगर ये बचाव के लिए भी उतरते हैं तो तब भी इनको चोट लग जाती है और जो काफी घातक हो सकती है। ये सूर्य मंगल की घटनाएं। इसी प्रकार से शनि, राहु और केतु की, बेटा ये भी दुर्घटना के कारक कैसे बनते हैं। शनि देव जिनके खराब होते हैं बेटा, उन बच्चों के अंदर खास तौर पे
कमी निकालने की आदत बहुत होती है। उनके पापा के अंदर या उनके घर के बुजुर्गों के अंदर एक अलग किस्म का घमंड होता है। वो अपनी दुनिया से हटके एक अपना रूप भी बनाते हैं, जैसे दाढ़ी बढ़ा लेना और उसके बाद मूंछें अलग टाइप की रखना और सर के ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप की पगड़ी बांधना। इनके अंदर ये वाला गुण होता है और यही लोग दुनिया से अलग दिखने के लिए अपने एक कुछ खास असूल टाइप बनाते हैं, जो अपने घर पे भी और बाहर भी लागू करते हैं। इन लोगों का जब शनि खराब होता है बेटा, ऐसे घर के बच्चों का खास तौर पे तेज गति से किसी भी प्रकार का वाहन चलाना इनके लिए बहुत घातक है। खास तौर पे जब भी घर के अंदर पूरे का पूरा मकान बने या मकान खरीद करके नए मकान के अंदर शिफ्ट हो, उस वक्त में कोई ना कोई दुर्घटना होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और साथ ही खास करके उन दिनों के अंदर मुसीबतों के कहर ज्यादा आते हैं बेटा, जिन दिनों में घर के अंदर किसी ना किसी को बहुत ज्यादा खांसी या टीबी जैसा रोग आ जाए। इन लोगों को तब तकलीफें पहुंचाना पड़ती है। फिर आ जाते हैं केतु देव। बेटा केतु देव, इन लोगों की खासियत होती है कि ये काम के अंदर बहुत ही मेहनत करने वाले और साथ ही दिल लगा करके काम करने वाले होते हैं। अगर इनकी नौकरी 9 घंटे की शिफ्ट की भी हो तो बेटा ये परवाह नहीं करते, अपने संस्थान को 12-14 घंटे भी दे देते हैं। दिन रात जगा के आप बेशक इनसे काम करो, ये घर के बुजुर्गों की खासियत होती है। लेकिन इनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, इनके अंदर होती है ईगो प्रॉब्लम, कि थोड़ी सी बात अगर इनको चुभ गई किसी की कही हुई तो बेटा ये उसके लिए बहुत कड़वे हो जाते हैं और उसके लिए हर तरह की प्लानिंग बना करके खेल देते हैं, उसे अपना बदला लेने के लिए या उसे अपने पास से हटाने के लिए। ऐसे लोगों को ये होता है टेंशन लेने और देने वाला बीज। ये जिनके अंदर होती है उनकी बेटा जब भी दुर्घटना होगी उनके कमर और पांव के हिस्से के ऊपर बहुत बड़ी चोट लगेगी, जिसके अंदर चलते हुए टांग का टूटना, कमर का खिसकना या बैकबोन के मनकों के अंदर कोई स्पेस आना, इस तरह की ये प्रॉब्लम है बेटा। और सबसे घातक होते हैं राहु। राहु, ये लोग दिमाग के बहुत तेज होते हैं। ये दूसरों को समझाना बुझाना कुछ भी नया करना बेटा इनके घर की खासियत होती है। और ये लोग वाकई में किसी भी काम के अंदर उतरकर किसी भी अंजाम तक इसे पहुंचा सकते हैं, यानी कि इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। लेकिन इन लोगों के यहाँ जब भी टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत या फर्श कुछ भी रिपेयर करवाया जाए, खास तौर पे घर की छत के ऊपर कुछ बनाया जाए बेटा, वैसे ही ये राहु देव अपनी तकलीफ पे आ जाते हैं। और जब भी मैं तो बल्कि आप सबको कहूंगा, आपने जिस साल में ये रिपेयरिंग करवाई है उसके बाद एक साल तक आप रात्रि की ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। अगर रात के समय ड्राइविंग करते हैं तो राहु देव का काम है छलावा करना, वो आंखों को बंद करके एक्सीडेंट करवाते हैं, यानी कि नींद आने में, और वो सबसे घातक होता है। उसके अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं और जो सबसे बड़ी बात है ये ज्यादातर एक अकेले के लिए इतना घातक हालात नहीं पैदा करते, बल्कि अपने साथ बैठे हुए 2-3-4 के साथ में ये हालात पैदा करते। गुरु जी, हमारे शो का मकसद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो किसी भी तरह की दुर्घटना से बचे रहें। बिल्कुल, आपने लक्षण बता दिए हैं, आपसे उपाय जानना चाहते हैं कि दुर्घटना ना हो इस तरह की, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। बेटा, जिनके पिता को उनके बचपन के अंदर रुपए पैसे से संबंधित बहुत दिक्कत आई हो और उनकी इज्जत भी खराब हुई हो लेन देन को लेकर के और वो घर से दूर काम करने के लिए गए हो, ऐसे में बेटा सूर्य देव को प्रबल करना बेहद जरूरी है। उसके लिए हर रोज घर के अंदर आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ होना चाहिए। सूर्य को गुड़ डाल के या गेरू डाल के हर रोज जल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा बेटा, दूध, चावल, चने की दाल, बेटा ये चीज लेकर के बेशक थोड़ी थोड़ी हो ये हर रोज मंदिर में पहुंचानी शुरू जरूर करनी चाहिए। कहने का मतलब ये 43 दिन लगातार अगर साल भर दे सके तो और भी उत्तम होगा, क्योंकि चंदन बृहस्पति अगर हमने इनको भी अच्छा कर लिया तो घर के अंदर रुपए पैसे की अच्छे हालात बनेंगे और परिवार ठीक होगा, ये उपाय। दूसरा, मंगल वाले लोग जिनके पेरेंट्स को अपने ही लोगों से काम धंधे के मामले में बहुत तकलीफें आती हैं, भाइयों के साथ अच्छी तरह से बन नहीं पाती और बच्चों के अंदर बेहद ज्यादा उतावलापन होता है, एक के बाद दूसरी वो शरारत करते ही रहते हैं बेटा, जिनके सर फटने
और आंखों पर भी चोट लगने के आसार बने रहते हैं। बेटा इसके लिए उपाय बेटा आपको करना है कि हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी ये बना करके तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालना और हर रोज बड़ के पेड़ पर थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये बहुत जान सको। और साथ में ऐसे बच्चों के गले के अंदर चांदी की चेन जरूर होनी चाहिए, ये पूरे घर के भी लोग कर सकते हैं और बड़े बुजुर्ग भी चांदी की चेन धारण कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया बेटा शनिदेव का, मैंने बताया था कि बड़े बुजुर्गों को अपना एक अलग टाइप का रूप बनाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, मूंछ अलग टाइप की रखते हैं, सर को भी अलग तरीके से ढक के रखते हैं ताकि दूसरों से अलग ना समझे। ये शनिदेव को भी ठीक करना बेहद जरूरी है बेटा, और इस शनिदेव को ठीक करने के लिए हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के साधु को दान देना, कुत्ते और कौओं की सेवा करना और साथ ही जो जरूरतमंद हो, गरीब हो, मजबूरी के समय, खासतौर पे उनकी बीमारी के समय दवाइयों का दान जरूर करते रहे। अगर ये करते हैं बेटा तब भी उनके शनिदेव बहुत ही अच्छे रहे। फिर केतु वाले लोग, जिनके यहाँ पर बेटा ईगो बहुत होती है लेकिन काम करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है जिन लोगों में, इनकी कमर और पांव के हिस्सों में दिक्कत आती है, इन लोगों को उपाय करना चाहिए कि हर महीने एक काला सफेद कंबल लेकर के बेटा अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर में दे दिया करें, कान छिदवा करके इसके अंदर सोना धारण करना बेहद ज्यादा जरूरी है और साथ ही हर साल ही एक उपाय जरूर कर दे, वो 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर दे और कुत्ता अपने घर में जरूर पाले। फिर राहुदेव, बेटा राहुदेव ये अचानक बड़ी तकलीफें देते हैं और खास तौर पर जब भी टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियों, छत या फर्श को रिपेयर किया जाए, समझे। और इनके लिए उपाय, जब भी आप इनमें से कोई भी काम करें घर के अंदर रिपेयरिंग का, तो तब बेटा 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के लेकर के इनको जल प्रवाह करें और जो भी अंग भंग दिव्यांग होते हैं, जो मंदिरों के बाहर बैठ करके पैसे मांग के अपना गुजारा करते हैं, इन लोगों को आप मिठाई जरूर बांटते रहे। मिठाई में भी अगर हो सके तो जलेबी जरूर बीच में हो और वो बांटे। इनको ये बांटने से राहुदेव आपको आशीर्वाद देंगे और आपको खुशहाल रहने का आशीर्वाद देंगे। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सारिका जी जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से लाइव। बहुत बहुत स्वागत है सारिका जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम सारिका है, मेरा जन्म 27 मार्च 1979 रात 00:05 AM पे हुआ है, चंडीगढ़ में बॉर्न हूँ। क्या जानना चाहती हैं सारिका जी? मेरा पिछले एक साल से हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चला गया और मेरा बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया, तो इसका कुछ बताइए। सारिका बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर इस वक्त के अंदर जो महादशा चल रही है वो बुध की चल रही है और बुध की महादशा के अंदर तुम्हें शनि और राहु मिलकर के फल दे रहे हैं, जो कि दोनों इकट्ठे बैठे हुए इस वक्त तुम्हारे भाग्य के लिए खराबी के हालात और धन की कमी पैदा कर रहे हैं। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है और क्योंकि बेहद मामूली उपाय और बहुत कम उपायों से ही अपने आप को अच्छा किया जा सकता है। सबसे पहले तुम्हारे घर की छत के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई लकड़ी या लोहा ऐसा पड़ा जो बरसात में भीग करके काला हो गया हो या जंग लग गया हो बेटा, उसे हटा दो या उसके ऊपर पेंट कर दो। दूसरा बेटा, घर के अंदर भी जितने भी तरह का कबाड़ हो, खास तौर पे चमड़े का या जूतों का कबाड़ हो, उसको निकाल के बाहर फेंक दो और पैसा तुमने कभी भी चमड़े के पर्स के अंदर नहीं रखना, इसका खास ध्यान रखना। तीसरा बेटा, एक सफेद और लाल रंग की कपड़े की थैली बना करके तुम्हारे काम धंधे का या घर की जरूरतों का जो भी पैसा है अगर उसके अंदर तुम रखती हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत उत्तम रहेगा। और हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना है और 8 हल्दी की गांठ मंदिर में लेके जानी है, जो वहीं पर चढ़ा करके तुम्हें आनी है। एक तो ये उपाय और दूसरा, हर शनिवार को एक नारियल और एक मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के शनि मंदिर के अंदर लेकर के आना है बेटा, और हर रोज कुत्ते और कौओं की सेवा तुमने जरूर करनी है। मात्र इतने से उपाय करके देखो, तुम्हारी कुंडली के अंदर सच में कामकाज के बहुत अच्छे योग हैं और बहुत अच्छी जीवन के अंदर तरक्की भी पाओगी, लेकिन घर से दूर ज्यादा भगाएगा क्योंकि घर के अंदर का सुख पूरी तरह से तुम्हारी कुंडली में नहीं है।
एक बार फिर से हम दर्शकों को याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। गुरु मंत्र पेज पर जाइए, लाइक कीजिए और अपना सवाल पूछिए। आपके सवालों का जवाब हमारे शो में जरूर मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त फेसबुक कॉलर जुड़ गए हैं। संजय जी हैं असम से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। 19 जुलाई 1978। समय 2:32 दोपहर को। जन्म स्थान तिनसुकिया, TINSUKIA। क्या जानना चाहते हैं? काम धंधे के बारे में पूछना चाहता हूँ और मतलब बहुत कर्जा हो गया उसके बारे में। बेटा आपकी जन्म कुंडली तो काफी अच्छी है जो आपको सपोर्ट करती है, समय समय के ऊपर सपोर्ट करेगी और काफी अच्छा धन भी देगी। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। पहले तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर इस वक्त में जो महादशा चल रही है बेटा, वो ज्यादा आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि सूर्य देव का अष्टम भाव में बैठना मैनेजमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन बिजनेस के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं और ये बहुत नुकसान देता है। ऊपर से मंगल और राहु का मेल कहते हैं जिंदगी भर में बार बार मेहनत करके कामों को खड़ा करना और उसके बाद गिर जाना और जमा पूंजी के लिए तरसना, ढूंढने पर भी अपने घर में जमा पूंजी नहीं मिलती। और ये अंतरदशा जो चल रही है ये तो बहुत डराने वाली चल रही है, यानी कि अंदर ही अंदर भय लगेगा, अंदर ही अंदर काम खराब भी होते चले जाएंगे और फ्यूचर को सोच सोच करके अपने अंदर ही डर का आलम बहुत बड़ा हो जाएगा। समझे? जब तक बेटा ये मंगल राहु का इलाज करके बुध को ठीक नहीं करते तब तक ये अच्छा फल नहीं देने वाले और कर्जा भी बढ़ेगा, काम भी खराब होंगे और फ्यूचर को सोच के डर भी बहुत लगेगा। इसके लिए उपाय, सबसे पहले 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के अंदर जौ और सरसों दोनों आधे आधे भरने हैं, ढक्कन को रख के सीमेंट से बंद कर देना, ये एक दिन पहले बंद कर दो और अगले दिन दोपहर को जाके ये जल प्रवाह कर दो। इसी प्रकार से 43 दिन लगातार बेटा ये लोटा तुम्हें जल प्रवाह करना है। और दूसरा है, हर बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम साबुत भर करके उसे मंदिर के अंदर देना, यह दूसरा उपाय बेहद जरूरी है। और तीसरा उपाय बेटा, पीतल के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के अपने घर में रखो और हर बृहस्पतिवार को 400 ग्राम चने की दाल लेके जल प्रवाह करो। बेटा इतने से उपाय करके देखो, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, कर्जा बिल्कुल नहीं बचेगा। अगर आप भी अपनी किस्मत के बारे में चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में, आपके फ्यूचर में क्या होगा, तो अब तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप अपने फ्यूचर के बारे में सारी जानकारियां पा सकते हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गुरु जी से जानेंगे दुर्घटना से बचने का क्या है गुरु मंत्र, बात कर रहे हैं होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप भी अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं और आप अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप एंड्रॉइड और एप्पल दोनों तरह के फोन्स में ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फ्यूचर और अपनी किस्मत का हाल खुद दे सकते हैं। आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है gurumantra@itvnetwork.com, उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरुदेव, कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जिसके साथ बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, भले ही वो बड़ी ना हो लेकिन बहुत ज्यादा दुर्घटनाओं की वजह से पैसा खर्च हो जाता है, उनके क्या लक्षण और उपाय किए जा सकते हैं? बेटा जिनके घरों में किसी एक आदमी को या दो आदमियों को बार बार दुर्घटना होती है और कोई ना कोई हालात ऐसे बने ही रहते हैं कि हॉस्पिटलों के चक्कर लगते हैं, इनकी कुंडलियों के अंदर 3 ग्रह बहुत ज्यादा खराबी पे आए होते हैं। वो ग्रह कौन से हैं? वो ग्रह है मंगल और केतु का मेल होना और शनि का खराब होना। ऐसे में मंगल और शनि बेटा ये दुनिया के अंदर सारे सुख धन ये सब कुछ देने वाले होते हैं और केतु देव अपनी इज्जत को बहुत बढ़ाने वाले होते हैं, यानी कि ये हिस्से तो खराब हो ही जाते हैं। ऐसे इंसानों को बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी उनको तकलीफें जीवन के अंदर बढ़ी आती है और जो पैसा आता है इस तरह की बेमतलब की मुसीबतों पे खर्च होकर खत्म होता है। इसके लिए इनको कुदरती टैक्स चुकाना पड़ेगा और वो कुदरती टैक्स चुकाने का जो तरीका है वो ये कि रात्रि के वक्त में 200 ग्राम मसूर साबुत लाल लेकर के इनको अपने सिराने रख के सोना है और सुबह सूर्य उदय से पहले बाहर जाकर के
जो भी सफाई कर्मचारी पहले मिले बेटा उसको वो दान स्वरूप दे दो, और साथ में आप सिक्के दे सकते हो, यानी कि 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के जो मिलते हैं बेटा वो भी उनको साथ में दान में दो। एक ये उपाय। दूसरा, हर बृहस्पतिवार को काला सफेद कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार करके वो भी मंदिर के अंदर दे, और हर शनिवार को बेटा कुत्ते और कौओं की सेवा करना, और साथ ही सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके दान देना, उसके अंदर मोची वाली जो छोटी छोटी कीले होती हैं 5-7 वो कीले डालनी बिल्कुल ना भूले, वो डाल के मुंह देख करके बेटा वो दान दे। आप ये उपाय करके देखो बेटा, बार बार ये चोटें लगने के जो हालात हैं और बेमतलब का पैसा खर्च होना, हॉस्पिटलों के अंदर लगातार जाने का कोई ना कोई हालात बने ही रहना, इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा और जिंदगी सुख में हो। तो गुरु जी, अभी तक आपने हमको बताया कि परिवार में किसी को दुर्घटना हो जाती है तो क्या लक्षण उपाय किए जा सकते हैं। गुरु जी, कारोबार और दुकान इस तरह में भी कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं तरह तरह की। हाँ बेटा, उनके क्या लक्षण होते हैं, उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा लक्षण तो वही है जो मैंने अभी बताए हैं, लेकिन इन लोगों के वाकई कारोबार के अंदर भी कोई बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। जैसे मंगल जिनके पूरे खराबी के ऊपर आ जाए, इसके मैं लक्षण आपको बता चुका हूँ, उनके यहाँ सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो होता है आग लगने का, यानी कि चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगे या किसी और वजह से आग लगे, बेटा उनके यहाँ आग लगने का खतरा ज्यादा बन करके माल को नुकसान पहुंच करके अपने लिए खराबी के हालात पैदा होते हैं। और इसके अंदर ये मंगल है खराब बेटा, मंगल जब खराबी के ऊपर आता है तो बेटा ये इतना बड़ा पैसे का नुकसान देता है कि जिसकी भरपाई करने के लिए कई सालों लग जाते हैं, और मंगल खराब होने की वजह से ऐसे में दुर्घटना के अंदर कई लोगों को भी आघात पहुंचता है या जल जाने के हालात बनते हैं, उसका भी खामियाजा भुगतने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। इसीलिए जो लोग कारोबारी हैं और उनके यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है, या फिर इनके यहाँ कोई ना कोई बच्चा ऐसा आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा उतावला हो, हर वक्त टिके ही ना बैठता हो, उसको जितना मर्जी मना करो उसके बावजूद भी वो काबू में ना आता हो, तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि खराब मंगल घर में आ चुके हैं। इन लोगों को खास तौर पे मंगल को ठीक करने के सारे उपाय करने चाहिए। मंगल को ठीक करने के लिए बेटा सबसे पहले अपने घर के अंदर गायत्री का पाठ करवाना बेहद जरूरी। दूसरा, मिठाई का दान हर मंगलवार को करना, और वो भी खास तौर पे अपने व्यवसायिक संस्थान के ऊपर बिल्कुल नहीं, बाहर लोगों के अंदर मिठाई बांटना बेहद जरूरी। और तीसरा बेटा, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना, और चांदी की चेन का अपने गले के अंदर धारण करना, ये वाले उपाय करने से बेटा इस तरह के बड़े खतरे को टाला जा सकता है और खुशहाली पाई जा सकती है। गुरु जी, कई बार ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि लोग अपनी आंख खो देते हैं, सेहत खो देते हैं, बिल्कुल उसके क्या लक्षण होते हैं और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा जन्म कुंडली के अंदर जब भी सूर्य नीच के बैठे हों और उनका संबंध भी किसी न किसी रूप में शुक्र के साथ हो जाए, तो इंसान की दुर्घटना के अंदर लेफ्ट आई के अंदर दिक्कत आती है, उसके अंदर चाहे कोई चीज लगे या अपने आप ही थोड़ा सा कोई एक चोट लगने के बाद इन्फेक्शन इतना बढ़ता चला जाए कि वो इलाज के काबिल ना रहे, तो लेफ्ट आई में दिक्कत आती है। ऐसे में अगर चंद्रमा का भी संबंध शनि के साथ किसी भी तरह से जन्म कुंडली के अंदर बन जाए तो बेटा पहले लेफ्ट आई और बाद में राइट आई दोनों के अंदर दिक्कतें आती है और नंबर बहुत बड़ा हो जाता है और इलाज बहुत समय तक लंबे समय तक चलता है, काबू में नहीं आ पाता, कई बार तो दो दो चार चार ऑपरेशन भी करवाने पड़ जाते हैं। बेटा ये बहुत बड़ी खराबी, पर जब सूर्य नीच के होते हैं, शुक्र के साथ संबंध होता है, चाहे उसकी राशि के साथ, चाहे वैसे दृष्टि मिलान के साथ, चाहे साथ में बैठे हुए, तो ऐसी अवस्था में बेटा राहु खराब हो जाता है, और जब तक हम राहु का इलाज नहीं करेंगे तब तक ये सूर्य और शुक्र काबू में नहीं आते। तो इसके लिए बेटा अगर किसी की आंखों के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो रहा है और इलाज करवाने के बावजूद भी उनको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो जितना उनका वजन है वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के उनको जल प्रवाह जरूर करना चाहिए। दूसरा, चांदी का एक चकोर टुकड़ा लेकर के अपनी जेब में जरूर रखना चाहिए, और जो गाय है शुक्रवार के दिन गाय को खल और भूसा खिलाना बेहद जरूरी। ये उपाय बेटा। और अगर चंद्र शनि का भी मेल हो जाए, यानी कि
चंद्रमा शनि के घर में बैठे हों, उसके साथ बैठे हों या दृष्टि के साथ में उनका संबंध बन रहा हो, तो बेटा सबसे जरूरी उपाय, अगर राइट आई के अंदर दिक्कत आ रही हो तो 43 दिन लगातार सादा पानी बिल्कुल नहीं पीना। उसके अंदर नमक, नींबू, ग्लूकोज, स्क्वैश कुछ भी मिला करके पी सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर अगर कुछ और नहीं आपको मिल रहा तो आप सिंपल तौर पे सोडा लेकर के वही ही पी सकते हैं। 43 दिन का ये उपाय करना, और साथ ही दूध के अंदर शहद मिला करके सोमवार के दिन मंदिर के अंदर देना, इस बुरेपन से आपको निजात दिलाएगा और आपकी आंखों को हमेशा स्वस्थ और अच्छा रखेगा। गुरु जी, दुर्घटना का संबंध तो वैसे हमारी कुंडली से होता है, बिल्कुल, लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने अनुसार वाहन ना खरीदे, ऐसी कोई गलती कर दे जिस वजह से हम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं? बेटा, ये जो मुहूर्त का विधान रहा है ये वाकई में बहुत बड़ा सत्य है। जन्म कुंडली के अंदर भी मुहूर्त होता है, और वैसे भी जनरल चीजें अगर आपने खरीदनी है तो उसके लिए भी एक उचित समय होता है। जैसे मान लो आपने कोई वाहन खरीदना है, सबसे बड़ी बात है आपकी जन्म कुंडली के अंदर उस वक्त में शनि आपके चौथे घर में आठवें घर के अंदर गोचर करता हुआ ना हो या वर्ष फल के अनुसार ना आया हो। अगर ये चीज होगी तो तब भी बेटा वाहन की दुर्घटना कोई बड़ी हो सकती है। दूसरी बात, मुहूर्त यानी कि जो दिन शुभ हो और उस दिन के अंदर जो शुभ समय हो, बेटा ये देखना बहुत जरूरी है। आज आपको एक बहुत ही खास बात बताता हूं। बहुत सारे लोग खुशी के अंदर इस चीज का ध्यान नहीं रखते, हमें वाहन लेना किस दिन चाहिए इस चीज का ध्यान नहीं रखते। बेटा ये कई बार बहुत घातक हो जाता है। इसके लिए बेटा एक चौगड़िया होता है, अगर आप मुहूर्त का इंतजार नहीं करना चाहते और किसी चीज का नहीं इंतजार करना चाहते, आपको अभी लेना है तो आज कम से कम जो चौगड़िया होता है किसी भी पंडित जी के पास जाकर के आप इस चौगड़िया के बारे में जान सकते हैं और उसके अंदर क्या होता है, शुभ का होता है, लाभ का होता है, अमृत के वेले का भी होता है, चर के वेले का भी होता है। तो यानी कि शुभ, लाभ, अमृत और चर ये डेढ़ डेढ़ घंटे का अरसा होता है। बेटा इनके अंदर अगर आप वाहन लेकर के शोरूम से निकाल के ड्राइविंग सीट पे बैठ के जाके पूजा करवाते तो आपके लिए अति उत्तम है। लेकिन इसके अंदर बेटा काल का समय भी होता है, समझे, और बहुत बड़े उद्योग यानी कि उतावलेपन का भी समय होता है जिसके अंदर की वाकई में बहुत बड़ी दुर्घटना भी संभव होती है। अगर उस डेढ़ घंटे के अंदर अगर आपने वाहन ले लिया तो बेटा वहां पर आकर के कोई ग्रह काम नहीं करेगा आपका, फिर तो वो जो समय है, उस समय जो आपके साथ वाहन के रूप में आ गया साथ में, वो काम करेगा और आपके लिए कोई भी घातक हालात वो उत्पन्न कर सकता है। तो आप अगर किसी मुहूर्त को नहीं मानते, आपको अगर अपनी जन्म कुंडली भी नहीं दिखानी, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आप वाहन लेने लगे हैं आप पंडित जी के पास जाइए, उन्हें कहिए कि जो शुभ, लाभ या अमृत का टाइम है वो हमें टाइम बता दीजिए, उतने बजे जाके गाड़ी की डिलीवरी ले लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा अगर ये मामूली सा एहतियात आप बरतते हो तो आप एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बच सकते हो। और दुर्घटना बेटा ऑलवेज सिर्फ अपने शरीर को नुकसान नहीं देती, अपने साथ जुड़े हुए जो अपने लोग हैं उनके पैसे और उनके सुख दुख का कारण भी बनती है। आपको याद दिला दे, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ गए हैं, रमेश वर्मा जी हैं लखनऊ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम रमेश प्रसाद वर्मा है, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म का तारीख 24/10/1954 है, प्रातः 9:30 बजे। रमेश जी आप सवाल कर सकते हैं। जी, हमने जो काम रिटायरमेंट के बाद शुरू किया बैटरी रिक्शे का, वो हमारा सफल नहीं हो रहा है। बेटा आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव लगन के अंदर बैठे हुए जिंदगी के अंदर बार बार अपने लाभ को खराब करते हैं और कामों के अंदर ऊंचाई नहीं होने देते, उल्टा स्वभाव को बिगाड़ करके हर वक्त किसी भी चीज के बारे में बोलते रहना, टोकते रहना,
इस तरह के हालात अपने घर वालों के लिए देते हैं और बाहर वालों के साथ बहुत ही नरम दिली के साथ उनका भला करते हुए उनके साथ चलना ये वाले हालात पैदा करते हैं। तो ऐसी अवस्था में बेटा ये लाभ को टोटली खराब करते हैं। दूसरा, बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर 11वें स्थान पर बैठे हुए कहते किसी भी काम धंधे के अंदर पैसे लगाएंगे, बार बार नुकसान के हालात सामने आएंगे। जब तक बेटा इन दोनों ग्रहों को दुरुस्त नहीं करते तुम, तब तक के लिए खराबी के हालात। अगर जो तुमने बेटा बैटरी वाले रिक्शे बनाए हैं उनके अंदर हरे और सफेद रंग का मिश्रण करते तो तुम्हारा ये धंधा काफी अच्छा चल सकता है। इस बात का खास ध्यान रखना, यानी कि उसके अंदर हरा और सफेद रंग उसकी बॉडी के ऊपर जरूर होना चाहिए रिक्शे की। दूसरा इसका उपाय बेटा, 43 दिन लगातार तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के गरीबों को दान देना या जल प्रवाह करना, ये बहुत जरूरी है। तांबे का छेद वाला पैसा एक लेकर के बेटा उसके अपने गले के अंदर वो धारण करो और हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके उसके ऊपर जल चढ़ाओ। मात्र इतना सा उपाय करके देखो बेटा, काम धंधे का रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा। इस पर अगर तुम अपने घर पे कुत्ता भी पाल लेते हो तो बेटा ऐसे में तुम्हारा काम अच्छा नहीं बहुत अच्छा चलेगा और हर तरह के सुख देगा। और अगर तुम्हारी पत्नी गाय की सेवा करती है और साथ ही उसके उल्टे हाथ के अंदर चांदी की चूड़ी के अंदर लाल रंग का मीना लगवा के तुम धारण करवाते हो तो और भी अच्छे हालात उत्पन्न होंगे। तो बेटा इन उपायों को करो, अपने धंधे को चलाओ, हर तरह से बरकत देगा परमात्मा। खुश रहो। अब आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए, साथ ही आप अपने सवाल पूछिए, आपके सवालों के जवाब हमारे शो में जरूर मिलेंगे। एक फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवेश है मोदी नगर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरु जी आपसे पूछना था कि मेरे घर में आर्थिक तंगी बहुत है, जॉब नहीं लग पा रही है, अब तक कैसी भी जॉब नहीं लग पाई। गुरु जी मेरा जन्म तिथि है 24 जून 1992 और समय है 2:15 सुबह के, मोदी नगर गाजियाबाद। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर लगभग काफी अच्छे योग तो हैं, लेकिन दो योग बहुत खराब हैं। एक है 5वें घर का बैठा हुआ बृहस्पति, जो कभी भी किसी भी काम को स्मूथ नहीं चलने देता, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो काम काज हो। एक बात ये। दूसरा, राहु देव अष्टम भाव के बैठे हुए जो कि खराब हैं बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर। जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश की स्थिति बनाते हैं और इनकी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है और सूर्य जन्म कुंडली के अंदर जब भी खराब होता है बेटा नौकरी के हालात को ये खराब ही रखता है, या लगने नहीं देता या लग करके हटा देता है, या वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ी थी। पहला उपाय बेटा बृहस्पति का, और वो है 43 दिन लगातार 20 ग्राम केसर लेकर के, नाग केसर, केसर नहीं नाग केसर लेकर के बेटा 20 ग्राम हर रोज का जल प्रवाह कर दो 43 दिन लगातार, और हर साल 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के वो भी जल प्रवाह करो। फिर चंद्र मंगल का मेल जो मैरिड लाइफ को ज्यादा अच्छा नहीं रखता और अपने अंदर भी गुस्से की मात्रा को बढ़ाने का काम करता, उसको अच्छा करने के लिए हर मंगलवार को बेटा दूध के अंदर देसी घी का हलवा बना करके 5-7 लोगों को तो कम से कम बांटो, स्वयं भी खा सकते हो। ये उपाय अगर तुम लगातार करोगे बेटा इधर कामकाज अच्छा रहेगा, उधर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी और शनि के दान तुमने कभी करने नहीं है, उड़े साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा। अगर तुम ये दान नहीं करोगे तो बेटा ऐसे में जितनी दबंगता से काम करोगे और कुर्सी पे बैठ करके करने वाला कार्य करोगे तुम जिंदगी के अंदर उतनी ही ऊंची ऊंचाई। बात कर रहे हैं होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा अगर दुर्घटनाओं की बात ही हो रही है और सुख और दुख की ही बात हो रही है कि शारीरिक कष्ट बनते हैं, पैसे के नुकसान होते हैं, बेटा किसी भी तरह का पैसे का नुकसान हो जाए, दुर्घटना की शुरुआत हो, यानी कि पहले ही छोटी छोटी दुर्घटना आनी अगर शुरू हो तो बेटा इससे अलर्ट हो जाना चाहिए। आज के गुरु मंत्र में आपको यही चीज समझा, ऐसे में बेटा सारे ही ग्रहों को लगभग शुभ कर लेना, उनकी वस्तुओं का दान देना बेटा आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। जैसे कि एक सतनाजे का दान करना बहुत जरूरी हो जाएगा, यानी कि जैसे सतनाजे के अंदर सूर्य है तो बाजरा डालो, चंद्रमा है तो चावल डालो, मंगल है तो लाल मसूर डालो, और बुध है तो मूंग साबुत डालो, और बृहस्पति है तो चने की दाल डालो,
ठीक है, और शुक्र है तो उसमें सफेद जवा डालो, और शनि है तो बेटा आप उसमें उड़द की दाल डालो। इस तरह से इसका सतनाचा बना करके उसके अंदर मुट्ठी भर जौ भी डाल दो एक्स्ट्रा बेशक। बेटा ये डाल के इसका अगर आप लगातार दान करते हो या फिर बुधवार के दिन सतनाचे का दान अगर आप करने लगते हो तो बेटा इससे बाकी के ग्रहों की आपको पूर्ण रूप से कृपा का पात्र बनने का मौका मिलेगा। और इसके बाद में अगर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में लिखी है और पैसे के बड़े अगर नुकसान लिखे हैं तो बेटा वो भी टलते हुए आपको नजर आएंगे। इसीलिए जब छोटी छोटी कोई दुर्घटना होनी शुरू हो तो वो एक तरह का आपके लिए अलार्मिंग सिस्टम होगा कि अब ग्रह बिगड़ रहे हैं। तो बेटा वहीं से इस कार्य को शुरू करके, इस दान को शुरू करके ग्रहों की कृपा के पात्र बने और सदा सुखी। तो आज का शो देखने के बाद अब आपका परिवार सुखी रहेगा, आपकी दुकान पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। साथ ही गुरु जी ने जो भी उपाय बताए हैं और जो भी लक्षण बताए हैं, उम्मीद करते हैं आपने वो सब ध्यान से सुने होंगे। आगे से आप दुर्घटनाओं से अब बच सकेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशी बख्शे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।